तो देखो गाइस, तुम में से बहुत सारे लोग मेरे सेकंड चैनल के लाइव स्ट्रीम में कमेंट करते हो कि स्काई भाई अपना गरीब वाला कलेक्शन तो दिखा दो। कलेक्शन कलेक्शन तो मैं तुमको दिखाने वाला हूँ, पर तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ये भी ठीक है। अब आजकल फ्री फायर में सारे कपल्स लव डे मनाने में लगे हुए हैं, भले उनके जीवन का लव डे हो चुका हो बट फिर भी वो लोग लगे हुए और हैं। बची कुछ कसर फ्री फायर वाले पूरे कर देते हैं। तो फ्री फायर की तरफ से पेश है लव डे के लिए लव डे वाला इवेंट। बहुत सारे निब्बे अपने डायमंड्स के लव डे के दिन लव डे लगवाएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अब यार मैं इतना सिंगल हूं ना कि मेरे मन में एक ही भावना आ रही थी। तो यार गरीना वालों, एक बात समझ में नहीं आई, लड़का लड़की के लिए चलो कपल से दे दिया, पर यार हम सिंगल लोगों के लिए कुछ तो ऑप्शन देना था। अब यार एटलीस्ट जो लेफ्ट प्राइस है इसमें दोनों मेल फीमेल बंडल भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देना था। सिंगल लोगों के बारे में भी कुछ सोचो यार गरीना वालों, ऐसे कैसे चलेगा। नहीं नहीं अभी और सुनिए। यार देखो, तुम में से अगर कोई ऐसा सिंगल बंदा हो जिसको अपने अकाउंट में सिंगल बंडल खुलवाना हो तो अपना यूआईडी कमेंट कर देना। किसी भी एक रैंडम बंदे के यूआईडी में मैं 1000 डायमंड डाल दूंगा और तुम्हें बंडल इजिली खोल पाओ। देखो जाते जाते अपने यूआईडी जरूर कमेंट कर देना, क्या पता तुम्हारे कमेंट में रैंडम ऐसी मेरी नजर पड़ जाए और उसमें मैं टॉपअप कर दूं। दोस्त बेकारी नहीं है, अपुन बहुत पैसे अपने पास। अब तुम में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई ये लव डे के दिन स्पेशल जो बंडल निकाला गया, इस बंडल की क्या खासियत है। तो भाई इस बंडल की एक ही खासियत है कि इस बंडल के अंदर कोई खासियत नहीं। और फिर भी अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की बात में आकर इस बंडल को ले लेते हो, कुछ लोगों ने तो अपनी गर्लफ्रेंड की बात में आकर इस बंडल को ले भी लिया होगा, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अब देखो ये बात तो कंफर्म है कि भाई तुम कितने भी स्पिन कर लो पर तुमको ये बंडल एकदम लास्ट स्पिन में ही मिलेगा। और आखिर ये बंडल मुझे लास्ट में क्यों मिला ये तुम्हें कमेंट करके बताना। तो देखो भाई बंडल उतना कुछ खास है नहीं, अगर घटिया बंडलों की लिस्ट बनेगी तो उसमें इस बंडल को मैं टॉप पे रखूंगा। गजब बेइज्जती है। अब ये कोरोना का छोटा भाई भगो ना, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है यार, मतलब कुछ मैच ही नहीं हो रहा है किसी से। अब बनाने वाले तेरे मन में क्या ही समाई, काहे को तूने इस टाइप के ड्रेस बनाए भाई, क्या ही मजा आया तेरे। देखो तुमको मैं फ्री ड्रेस दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो प्लीज ये वाली ड्रेस मत पहन। लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे कुछ चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। चलो अब मुद्दे पे आते हैं, हमारी मेन वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई एक गरीब यूट्यूबर का कलेक्शन कैसा होता है। तो चलो गाइस थोड़ा सा सेट बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेते हैं, बिकॉज मैंने कहीं तो ऐसी कोई बड़ी नोवेल में पढ़ा था कि सेट बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने से थोड़े व्यूज ज्यादा आते हैं और जो ऑडियंस होती है उसकी फुल सिंपैथी मिलती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और देखो गाइस मैं बहुत ही गरीब यूट्यूबर हूँ और तुम मेरे अकाउंट में डायमंड देख रहे हो, 5000 डायमंड है जो कि मैंने किस्तों में लिए इंस्टॉलमेंट में, इसके भी इंस्टॉलमेंट देना अभी बचा हुआ। और हाँ अभी इसके 6 महीने की इंस्टॉलमेंट बची हुई है, सोचो मैं कितना गरीब यूट्यूबर। गाइस तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि मेरे दो चैनल है, एक चैनल पर 903 के सब्सक्राइबर है और एक में 377, बट फिर भी मैं एक गरीब यूट्यूबर। तुम मेरा कलेक्शन की बात कर रहे थे ना, तुम मेरा कॉस्ट्यूम देखो मेरे पास कैसे कैसे कॉस्ट्यूम है, इतने घटिया घटिया कॉस्ट्यूम तुमने कभी किसी यूट्यूबर के अकाउंट में देखे हैं क्या? नहीं मतलब कोई यूट्यूबर कितना गरीब हो सकता है, ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम रखने के बाद भी गरीब कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आता, बट फिर भी मैं गरीब हूँ। और अगर तुम मुझे सिंपैथी देना चाहते हो तो नीचे तुमको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा तो उस पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो गाइस मैं इतना गरीब हूँ कि मैंने इनक्यूबेटर का टॉप बंडल निकाला था और उसके भी किस्तें देना भी बचा है, मतलब उसके 2 महीने की किस्तें बची हुई है, मुझे 2000 डायमंड और गरीना को भी पे कर। तो आपके मन में भी यही बात हो रही होगी यार कि काश मैं भी इतना ही गरीब हो पाता। बहुत सारे लोगों की बात समझ में नहीं आती कि इंसान के 2 चैनल है फिर भी ये गरीब कैसे हो सकता है, बट फिर भी तुम लोग सिंपैथी देते हो तो मतलब मैं गरीब हूँ। हमारे मन में तुम्हारे लिए और मुझे बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें कलेक्शन देखने में क्या ही मजा आता है। तुम क्रिश वाली ड्रेस को देख लो, ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत मेरी फेवरेट ड्रेस एक तरह से, बट फिर भी मैं इसको नहीं पहन पाता हूँ, ना जाने क्यों फील ही नहीं आता यार। मतलब जीवन कुछ ऐसा हो चुका है कि अब मैं किस किस ड्रेस को पहनूं, और एक बार को तो मतलब मन में आता है कि यार किस किस से प्यार करूं, हर ड्रेस से प्यार हो जाता है तो। बट फिर भी यार देखो मेरी पर्सनल फेवरेट सीजन 1 और सीजन 2 की ड्रेस होती है, बिकॉज यार वो रेयर होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती, अगर आपके पास होती तो आपके भी वो फेवरेट होती। बट मैं जो है कुछ दिन बाद अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने वाला हूं, परमानेंट कॉस्ट्यूम बनवाने वाला हूं, ऐसा मतलब बनने वाला है मेरे लिए स्पेशल से, और उस कैरेक्टर का नाम है स्काइलर और मैं उसी कॉस्ट्यूम का पहन के खेलूंगा, ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे ड्रेस को कॉपी करना चाहते हो वो इजीली कॉपी कर पाओ और उस स्काइलर कैरेक्टर की हाइप क्रिएट। देखो मैं कितना गरीब यूट्यूबर हूँ, एकदम मतलब बहुत आंसू आंसू आ रहे हैं मेरे को बोलने में कि भाई देखो मेरे पास ये वाला इनक्यूबेटर भी है। अब तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत महंगी ड्रेस है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने ये भी किस्तों में ली थी बजाज के कार्ड। ये वाली ड्रेस जो थी इसके बाल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, अभी भी कल भी लगते थे, आज भी लगते हैं और आगे भी लगेंगे। और जो इसकी ड्रेस है वन पंच मैन की, ये भी थोड़ी ठीक ठाक ड्रेस लगती थी मुझे। और जब भी मैं सतरंगी ड्रेस को देखता हूँ मेरे मन से एक ही बात निकलती कि ऐसा लग रहा है किसी बंदे के ऊपर किसी ने इंद्रधनुष को लपेट दिया, और जो भी है मुझे बहुत बढ़िया लगी। और इसके बाल तो एकदम कैंडी क्रश आ रही, मतलब क्या ही बोले भाई, उसकी तो बात ही अलग है। और ये थोड़ा डरावना लग रहा है, पर इतना भी डर नहीं लगता है, आजकल थोड़ी डरावनी ड्रेस आनी चाहिए। अब यार देखो तुम देख ही सकते हो मैं कितना गरीब हूँ, कितना ज्यादा गरीब हूँ, मतलब इतनी इतनी कम ड्रेस है मेरे पास इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बावजूद। मेरा एक चैनल पर 1 मिलियन होने वाला है, बस कुछ 90 के सब्सक्राइबर बचे हुए, कर दो यार, कर सकते हो तुम लोग इजीली कर सकते हो। और हाँ देखो गिव अवे वालों तुम्हारी भी जरूरत है तो बता देता हूँ, देखो 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे हम लोग 3 मोबाइल फोन का भी गिव अवे रखेंगे। तो देखो भाई वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग शेयर करोगे उतने सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे नंबर बढ़ेंगे, फिर हम 1 मिलियन पे पहुंच जाएंगे, फिर 1 मिलियन पे गिव अवे करेंगे। और देखो वाला गिव अवे बहुत भयानक होने वाला, बिकॉज हम लोग गिव अवे बहुत नए तरीके से करते हैं, और उसके लिए तुम्हारा देखो ऐसा है कि खेलना जरूरी नहीं है, सब तुम्हारे लक के ऊपर होता है, और अगर तुमको अपने लक पे भरोसा है तो अपना अलग आदमाओ वीडियो को शेयर करना चालू कर दो। गजब तू भी आ जा।
देखो गाइस तुम से बहुत लोगों के पास ये वाला बंडल नहीं होगा बिकॉज़ बहुत महंगा था, पर ये भी मैंने ले लिया कि चलो यार थोड़ा गरीब है तो थोड़ा सा गरीबी और दिखानी चाहिए। अब देखो जिन लोगों ने ये बंडल नहीं लिया था तुमको बता देता हूँ कि जो बाल है इसके बाल बहुत रेयर है, इसके बाल को अगर तुम यूज करके देखोगे तुमको पता चलेगा कि इसके बाल बहुत यूनिक है, ऐसे बाल कभी नहीं आएंगे फ्री फायर में। तो तुमने बहुत सुनहरा चांस खो दिया अपने आपको गरीब कहने का, अब सिर्फ स्काई लॉर्ड ही अपने आपको गरीब कह पाएगा और वही लोग गरीब कह पाएंगे जिन लोगों ने ये बंडल खोला है। देखो कभी वीडियो पर शेयर रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज ये वाला बंडल भी किस्तों में लिया हमने और इसकी किस्तें बची हैं, और ये नया बंडल अभी आप देख रहे हो ये भी अभी किस्तों में ही चल रहा है, इसकी भी 15-16 दिन की भी किस्तें बची हुई हैं और उसके बाद की जो अपकमिंग बंडल है वो सभी किस्तों पे ही चल रहा है। मैं देख रहा हूँ तुम अभी तक मुझे सिंपैथी नहीं दे रहे हो यार, देखो थोड़ी सी सिंपैथी से दो यार, सेट बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, थोड़ा सेट बैकग्राउंड म्यूजिक की तो भी कदर करो। हाँ सर भाई पागलों की तरह हद हो गई यार, जो नेक्स्ट अपकमिंग बंडल है उसको देखने के बाद तुम यही बोला कि काश मैं भी इतना गरीब होता, मुझे भी इतना ही गरीब बनना। जीवन में लोग गरीब बनने के लिए रेस लगाना चालू कर देते क्योंकि गरीब बनने बहुत फायदा है। जो नोबरू के फूफा के लड़के वाली ड्रेस तुम देख रहे हो उसको देखने के बाद भी तुम बोलोगे कि बस इसका है भाई, इससे ज्यादा गरीबी हम नहीं झेल सकते, प्लीज बंद करो, और नहीं देखा जाता, बट फिर भी हम तुम्हारी सिंपैथी का पूरा फायदा उठाएंगे और हमको तुमसे और गरीबी की सिंपैथी लेना। और देखो यार सब्सक्राइब करते रहना क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब तुम्हें गरीब बनने से बचा सकता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो गाइस तुम्हारी तरह मैं भी सोचता था कि यार देखो मेरे पास गन स्किन है, मैं कितना अमीर यूट्यूबर है, तुमको बता दूं कि देखो गन स्किन होने के बावजूद भी आप गरीब हो क्योंकि मैंने गन स्किन्स पर इतना पैसा वेस्ट किया, पर गेम का देखो गरीना वाले कहीं ना कहीं ये तो भला चाहते हैं प्लेयर्स का कि यार स्पोर्ट्स कॉम्पिटेटिव अच्छे से ग्रो हो, तो उन लोगों ने टूर्नामेंट से गन की एबिलिटीज को बंद कर, और ये जो इतनी भसड़ हुई है अभी कुछ दिन पहले तो उस भसड़ में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि इसका तुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अब कॉम्पिटेटिव पे ही फोकस करना है, बस दिन रात उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट लिटरली तुमको मैं एक बात बताता हूँ गाइस कि देखो गन्स की स्किन कोई काम नहीं आ रही, मैंने सिर्फ पैसा बर्बाद किया गन की स्किन लेने में बट कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं भी कहता हूँ गन स्किन अगर तुम खरीदते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे रैंक और क्लासिक के लिए है, वो सिर्फ फन के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, बट जब बात आती है सीरियस गेम की तो सीरियस गेम में तुम्हें नो गन स्किन ही खेलना है। देखो भाई आज नहीं तो कल ये सब तुमको करना ही है बिना स्किन के खेलना है, क्योंकि अगर अब तुम सोच रहे हो कि तुमको आगे फ्यूचर बनाना है गेम में या फिर तुमको कॉम्पिटेटिव खेलना है टूर्नामेंट खेलना है तो तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिना गन स्किन के खेलने की, और आदत डालो यार। देखो जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते, और तुम जितने बड़े कॉम्पिटेटिव प्लेयर को देख लो, चाहे आप किसी भी टीम को ले लो, कितनी बड़ी टीम हो उसके सारे प्लेयर बिना गन स्किन के ही खेल रहे हैं। भाई कभी ये मत सोचना कि तुम गन स्किन लेकर पूरे मैच को जीत लोगे, तुम रैंक और क्लासिक में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि जीत जाओ, पर जो ओरिजिनल गेम होती है वहां पे आप हार जाओगे, मतलब जीत के भी तुम हार सकते हो यह कह लो एक तरह से, बिकॉज कहीं ना कहीं मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है, गन का डैमेज, गन का हेडशॉट रेट, हर एक चीज। जब भी आप किसी गन से खेलते हो जिसमें स्किन एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उससे हेडशॉट ज्यादा पड़ते हैं, ये मैं मानता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस 19-20 का देखने को मिल जाता है, बट बिना गन स्किन वो स्टेबल रहती है, और अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो मजा आएगा, लिटरली बता रहा हूँ मैं। देखो गाइस मेरा कलेक्शन यहीं तक था, अगर तुम आगे देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि यार देखो अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ कुछ दिन, क्योंकि मैं कुछ नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ और नया दिखाना है तो थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा तुम्हें, अगर कुछ नया पाना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट में इलाइट पास ये सब डालूं तो भाई वो आइडिया कमेंट कर देना, किसी भी एक रैंडम 2-3 बंदों के आईडी में ऐसे डाल दूंगा, डायमंड जाके टॉपअप कर लेना, और उसका स्क्रीनशॉट तुमको इंस्टाग्राम पे जाके देख लोगे तो तुमको मिल जाएगा कि मैंने किसके अकाउंट में ये रिडम कोड से फिर डायमंड्स डाले। चलो आज का यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज मैं वीडियो बना ही रहा था और अर्जेंट मुझे किसी का कॉल आ गया और अब मैं वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो सह लेना थोड़ा सा इतना, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नहीं।